नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ और टेक्नो ट्रैवल में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो एक मेरा दोस्त है, मैं ऑस्कर के साथ आज मैदान में आया था। आज एक्चुअली आपको पहले मीट करा देते हैं मेरे भाई से। ये है भाई एंथनी। हेलो भाई। हाय। फुटबॉल टीम के लिए अभी बहुत ही प्रिपरेशन ले रहे हैं भाई, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी। ये रिसेंटली अभी थाईलैंड में खेल के आया ना भाई, एशिया कप, एशिया कप खेल के आए हैं। जापान में गए थे, जापान प्रो खेलने के लिए, जापान प्रो खेल के आए हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि अभी भी इंडिया में ऐसा क्या बोले सैमुअल जैसे भाई लोग अभी भी है, जिनके कारण अभी देखिए इंडिया को रोशन कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा बहुत गर्व होता है क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ, कि आज सैमुअल जैसे भाई है बोल के आज हम लोग इंडिया के जो और भी आगे ले जा रहे हैं। मैं तो यही कुछ बोलूँगा भाई को कि मेरे साथ हर ऑल टाइम दुआ रहा है भाई का कि भाई और ऊँचा जाए। ये जो तुम्हारा अभी जो स्ट्रगल है, ये अभी तुम कैसे कर रहे थे, क्या है क्या नहीं है? एक्चुअली क्या हुआ था 2012 में जब ब्लाइंड हुआ मैं, आई बिकम ब्लाइंड 2012। उसके बाद 13 से थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था मेंटली, एंड वो तो चलता ही है ना, जो कोई अचानक से ब्लाइंड हो जाए तो वो प्रॉब्लम आता है। तो उसके बाद मैंने बहुत कोशिश किया था, बहुत आप इफ़ यू से लाइक वो काउंसलिंग करने के बाद थोड़ा ठीक हुआ। उसके बाद मेरा बचपन से मन था कि एंकरिंग करूँ, आरजे बनूँ, रेडियो में जाऊँ। तो उसके लिए मैंने कोर्स भी किया था, मैं ऑस्कर जो टेक्नो ट्रैवल हैंगआउट में जो है ऑस्कर, उसके साथ मैंने किया था। तब से हम दोनों दोस्त थे, 2014-15 वी ऑल वर्क टुगेदर। सो उसके बाद से क्या हुआ, 2016 में मुझे पहली बार पता चला कि ब्लाइंड लोग भी फुटबॉल खेलते हैं। तो तब मैं फुटबॉल खेलने गया था नेशनल फर्स्ट जो कोचिंग में हुआ था। तो वो खेलने के बाद तब मैंने फुटबॉल छोड़ दिया क्योंकि मुंबई चला गया था मैं, मुंबई में वहाँ पे थोड़ा काम करना था मुझे, तो गया था मैं, लेकिन चांस नहीं मिला, मौका नहीं मिला। तो 2018 में मुझे फिर कॉल आया एकेडमी से, जो इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन है वहाँ से कॉल आया था। फिर मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने गेम अच्छा किया तो मुझे सिलेक्ट हुआ था मैं एकेडमी के लिए। तब से खेल रहा हूँ मैं, 2018 से अभी तक नॉन स्टॉप खेल रहा हूँ मैं, हर जगह पे नॉर्थ ईस्ट ईस्ट हर जगह पे खेल रहा हूँ। और 2018 में मैंने पहली बार डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडियन टीम में। तब से मैं अभी तक नेशनल टीम में हूँ, हर बार करना पड़ता है, हर बार वो सिलेक्शन होता है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अच्छा भाई, मुझे आप एक बात बताओ, ये जो मैं तो अभी तक नहीं देखा हूँ ब्लाइंड फुटबॉल, आप मैं ये श्योर कर रहा हूँ कि इसके बाद मैं हर ब्लाइंड फुटबॉल देखूंगा, ये बात श्योर है। ओके, थैंक यू। लेकिन मुझे ये बात बताओ कि आप लोग जब खेलते हो उसका क्या रूल्स एंड क्राइटेरिया होता है? क्या होता है एक्चुअली, जो नॉर्मल में साइडेड में होता है तो वो 11 साइडेड गेम है। अच्छा, और हम लोगों का 5 साइडेड गेम है। अच्छा अच्छा। जहाँ पे एक गोल कीपर होता है जो बिल्कुल देख सकता है, ही इज अ साइडेड पर्सन, सो वो गोल कीपर पूरा दिखता है गोल कीपर को। और हम जो 4 प्लेयर्स इन द ग्राउंड होते हैं उन 4 को एकदम ही दिखाई नहीं देता है, और थोड़ा सा भी किसी को अगर दिखाई दे, थोड़ा सा लाइट होता है, लाइट विजन थोड़ा सा होता है, तो उसको ऊपर से सब कोई ऊपर से कॉटन मार के टेप लगा के फिर ऊपर से गार्ड दिया जाता है, आँख पूरा बंद हो जाता है वहाँ पर। तो ऐसे खेलना पड़ता है, और उसमें एक बॉल जो होता है हम लोगों का वो साउंड पे डिपेंड होता है। अच्छा, उसमें अच्छा। साउंड होता है छोटा छोटा। कितना टाइम कितना का होता है टाइम? टाइम 40 मिनट्स का होता है, 20 मिनट्स 30 मिनट्स टू हाफ 20 मिनट्स 20 मिनट्स, और बीच में ब्रेक होता है 10 मिनट्स का। 10 मिनट्स। और उसमें क्या होता है, सब कुछ होता है नॉर्मल के साइडेड पे, ऐसे ही फाउल भी होता है, पेनाल्टी, कॉर्नर्स, फ्री किक, एवरीथिंग, सब कुछ आपको देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ा अच्छा बात है कि पढ़ाई नहीं करो बात सही है, लेकिन गेम के लिए तुम इतना सोच रहे हो, यही बहुत बड़ा बात है क्योंकि वो देश है ना। हाँ, वो तो बात सही है इसका। हाँ, एकदम सही है क्योंकि एक क्या होता है ना, सर पे इंडिया का टैग लगना बहुत बड़ा बात होता है, ताकि आदमी बहुत परे मतलब क्या बोलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ये टैग लगाने के लिए, वो तुम्हारे पास है, यही बड़ा बात है। वो तो है कि इतना दिन तो तुम ये फुटबॉल के साथ कनेक्टेड हो, तो मुझे ऐसा कुछ मोमेंट बताओ जो तुमको याद है बहुत ही अच्छे से, जो तुम लग रहा है कि वो शेयर करना चाहिए। नेगेटिव या पॉजिटिव? दोनों बताइए। अच्छा, नेगेटिव बताइए, पॉजिटिव बताइए, पहले पॉजिटिव सुनते हैं। पॉजिटिव ये देखिए, जैसे कि आपका ये स्पीच और बाकी लोग को इंस्पायर करे, एकदम इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कुछ बताइए। एकदम
जैसे कि ब्लाइंड फुटबॉल में आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द ब्लाइंड फुटबॉल, तो उसके बाद थोड़ा बहुत सीखने के बाद फिर क्या हुआ था, जब मैं पहली बार बहुत मैंने मेहनत किया था, पहली बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था. अच्छा. तो देन उसके बाद मैंने सोचा था, मैंने तभी बोला था उनको, सिलेक्शन जब नहीं हुआ था तब कुछ पॉलिटिक्स सब जगह पे होता है. हाँ हाँ. थोड़ा नेगेटिविटी होता है, सब चाहते कि आप अगर कोच हो किसी टीम को ला रहे हो तो आप भी चाहोगे मेरा प्लेयर्स हो जाए. मेरे सर पे ऐसा नहीं था कोई भी कि मुझे मेहनत से आना पड़ा. तो मैंने बोला था तब उसी जगह पे, ग्राउंड छोड़ने से पहले तभी मैंने बोला था नेक्स्ट सिलेक्शन में, नेक्स्ट गेम में मैं सिलेक्ट होकर ही दिखाऊंगा 100%. अगर नहीं हुआ तो ब्लाइंड फुटबॉल छोड़ देंगे. तब से मैंने स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया, और तब मेरा नोज इंजरी हुआ था जिसके चलते डॉक्टर ने मुझे बोल दिया नोज पर क्रैक आया था मेरा. तो डॉक्टर ने बोला कि ये गेम नहीं खेल पाएगा, 3 मंथ मिनिमम 3 मंथ्स इसको रेस्ट लेना. तो मैंने अपने कोच को अपने टीम को नहीं बताया, फिर भी मैंने सिलेक्शन कैंप में वो अटेंड किया, बहुत मेहनत किया. फिर जाकर एक सच्चे खिलाड़ी का बात होता है. यस, बात यही है. तभी मैं सिलेक्ट हुआ. वो जो पल था मेरा वो सबसे मतलब बहुत खुशी का था. उसके बाद भी जब जैसे कि बाहर के लोग आते हैं, इंग्लैंड से कुछ कोचेस आते हैं, वहाँ भी मुझे बेस्ट मिला, उनका फेवरेट प्लेयर हुआ मैं, और थाईलैंड से भी आए थे. ऐसा सब होता है, बहुत अच्छा लगता है जब अच्छा परफॉर्म करता हूँ अभी मैं, तब बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि अभी कोलकाता में ईस्ट जोन हुआ था जहाँ पर ऑस्कर था. अच्छा. तो वहाँ पे मैंने टीम को जिताया था, मैंने टीम में उतरने से पहले ही बोला था. अब मुझे ये भी मालूम चला है सबसे ज़्यादा गोल किए थे तुम, खबर में मुझे कितने गोल किए थे भाई? मैं 8 गोल था, सेकंड हाई स्कोर था मैं. फर्स्ट हाई स्कोर जो था बहुत ही अच्छा वो था, और उसके बाद मैं था, लेकिन मैं बेस्ट प्लेयर था टूर्नामेंट का. ईस्ट जोन का अभी मैं बेस्ट प्लेयर हूँ, पूरा ईस्ट का जो है जोन उसमें मैं बेस्ट प्लेयर हूँ. हम लोग जितना भी मेहनत कर ले लेकिन हो जाता है, यही खराब लगता है कि पीछे कोई है नहीं, और चाहिए भी नहीं. जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है. हाँ वो तो है. मेहनत करने वाले नहीं, मुझे ये एक प्रॉब्लम लगता है कि पर्सनैलिटी सब जगह थोड़ा बहुत होता ही है, बहुत, लेकिन वो होना नहीं चाहिए. नहीं होना, क्योंकि देखिए जो रियल टैलेंट होता है वो रियल टैलेंट ऑल टाइम को आगे देना चाहिए. जैसे देखिए आज सैमुअल खड़े हैं मेरे पास, मैं सैमुअल को क्या बताऊँ? सैमुअल भाई के बारे जितना बताऊँगा उतना ही कम होगा, क्योंकि मुझे पता है आधा घंटे से मैं यहाँ मैदान मेट्रो के पास खड़ा था, जब सैमुअल आए मुझे मालूम ही नहीं है, उनको देख के भी नहीं लगेगा आपको वो ब्लाइंड है. सबसे बड़ा बात यही है, आप अगर अभी भी देखेंगे तो मालूम नहीं चलेगा आपको वो ब्लाइंड है. बहुत हैंडसम होना एकदम सही है और भाई को बोलने में बहुत अच्छा लगता है, ऑल टाइम वो बोलते रहते हैं. और क्या बताए, भाई का यही जज्बा देख के मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा. मैं तो बोलता हूँ साबास इंडिया होते हैं ना, साबास इंडिया इन्हीं को बोलते हैं, क्योंकि इंडिया का टैग लेके यही आदमी जो है जो इंडिया को और आगे ले जाएंगे. एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो, अब कुछ करना चाहते हो, तो कभी भी ये मत सोचना कि आपको, हर इंसान यहाँ पे कोई एकदम फुलफिल नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, सब में कमियाँ होती है, हम में भी है, आप में भी है, मुझ में भी है. लेकिन उसको जो जीत लिया, अगर आप खुद से जीत जाते हो तो आप दुनिया जीत सकते हो. बस खुद से जीतो, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ. थैंक यू भाई. थैंक यू भैया. हाँ थैंक यू, एकदम बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके. ऐसे ही आप खेलते रहिए, मैं तो चाहता हूँ रहिए हमारे साथ. मैं भी यही चाहता हूँ कि जैसे आज आपको यहाँ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, इसके बाद कुछ और बड़ा पोजीशन हो फिर वहाँ पे जाके इंटरव्यू करूँ. एकदम बस आइए, बस ऐसे ही आप खेलते रहिए. अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, अगर मेरे से कितना भी बन पाएगा वो मैं करूँगा. मेरा करते हैं मेरा आप चैनल का जो ऑस्कर है वो मुझे बहुत हेल्प करता है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. एंड वो जब भी मैं अकेला फील करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, रात 12 बजे हो या 1 बजे, मैं उसे कॉल करता हूँ हमेशा, हर एक सिचुएशन पे, हर एक मोमेंट पे वो मुझे सपोर्ट करता है. चलिए भाई ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. थैंक यू.